हमारे होटल से जो सामने पीक्स दिखाई दे रही है, मुझे लगता है वो फ्रेंडशिप पीक है। आई रिमेंबर आज से 11 साल पहले मैं ब्यास कुंड की ट्रैक करने गया था और वहाँ पे भी फ्रेंडशिप पीक बिल्कुल ब्यास कुंड के सामने नज़र आती है। बट दीज पीक्स आर विजिबल फ्रॉम होटल ऑल्सो, सामने नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, बिल्कुल मॉल रोड पे ये होटल है। तो ये जो रूम है ये वैल्यू फॉर मनी हमें लगा, नीट एंड क्लीन है, स्पेशियस है, मॉल रोड के बिल्कुल बगल में है और व्यूज़ भी अच्छे हैं। ये मनाली पूरा पीछे मेरे और सामने हिमालयन रेंजेस। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली, और अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं। मॉल रोड हमने पूरा घूम गया, खाली लग रहा था सुबह सुबह, पूरा आसपास की शॉप एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगाई हुई है। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड मॉल रोड है और ये मॉल रोड से बाहर आते ही यहाँ पे काफ़ी सारी ईटरीज हैं। हालांकि अभी सुबह के 8 ही बजे हैं तो सब कुछ अभी खुला नहीं होगा खाने का, लेकिन जो जो खुला एक्सप्लोर करते हैं एंड लेट्स सी के वे कैन वी हैव आवर ब्रेकफास्ट टुडे। सुबह के 8:15 हो गए हैं और कुछ भी नहीं खुला हुआ है यहाँ पे खाने पीने का मॉल रोड में। यहाँ पे जैसे कि ये टेस्टी बाइट और ये कैफ़े अमीगो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। उसके अलावा भी देखते हैं कुछ, तो इसका मतलब कुछ रोड साइड खाना पड़ेगा ऐसा लगता है। चलिए लेट्स एक्सप्लोर के क्या खुला होगा। अरे सवा आठ, कितनी अजीब बात है कि 8:15 बज रहे हैं सुबह के, दिन चढ़ाया है, देखो सूरज कितनी ऊपर आ गया और लोगों का भी नाश्ता ही नहीं शुरू हुआ है। कैफ़े अमीगोज़ में एक बहुत ही फ़नी चीज़ दिखी, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डे ब्रेकफास्ट। तो बहुत अच्छी बात है, ऑल डे ब्रेकफास्ट खिलाते हैं, लेकिन सुबह सुबह तो खिला दो, ब्रेकफास्ट के टाइम पर तो खिला दो ब्रेकफास्ट, बाकी के दिन खिलाएंगे, सुबह नहीं खिलाएंगे ब्रेकफास्ट। वेरी गुड। चलो तो मॉल रोड पर यहाँ पर मंदिर खुला हुआ था, हम लोगों ने दर्शन करे और सामने यहाँ पे अब कुछ दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। देखिए सामने कैफ़े कॉफ़ी ड्रिप्स नज़र आ रहा है, कैफ़े कॉफ़ी डे नहीं है, कैफ़े कॉफ़ी ड्रिप्स है। तो यहाँ पे लिखा है ओपन, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या मिलता है खाने को। तो हमने नाश्ता में मंगाया है पास्ता और यहाँ पे ये सिंगल सेट ब्रेकफास्ट होता है जिसमें ये हैश ब्राउन पोटैटो है, स्क्रैम्बल्ड एग है और ये टोस्ट है। बाकी समय है सुबह के, अभी मैं ऐसे करने वाला था, समय है सुबह के 9 बजे और अभी थोड़ी सी दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं ब्रेकफास्ट की। तो काफ़ी अजीब बात है क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हम लोगों का तो घर पे 7 बजे सुबह होता है और यहाँ पे 7 बजे आओ तो कुछ भी खुला हुआ नहीं था। एनीवे ब्रेकफास्ट करके चलते हैं हिडिंबा माता मंदिर में दर्शन करने के लिए और फिर वहाँ से आगे चलेंगे। हम पहुँच गए हिडिंबा माता के मंदिर में और अभी बज रहे हैं दिन के 10, चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। काफी पीसफुल सा है वैसे, इतने पेड़ों के बीच में एकदम से, कितने सुंदर पेड़ है। काफी लंबी लाइन है सुबह सुबह, मुझे लगता है वीक हम कम है। अच्छा चलो अभी जल्दी जल्दी जाता है तो जल्दी जल्दी दर्शन करते हैं। तो बच्चे खा रहे हैं प्रसाद और मंदिर की खूबसूरत सा प्रांगण और बहुत ही प्यारी प्यारी बेल्स जब आवाज बजती हैं गूंजती हैं इन पहाड़ों में, सुंदर सुंदर पेड़ और आज तो एकदम नीला आसमान। तो काफी टूरिस्टी है पूरा का पूरा इलाका। ये एक पत्थर मिला है, मुझे लग रहा सारे लोग इस पे चढ़ के फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं। उसके अलावा आसपास काफी सारी दुकानें हैं जहाँ पे हिमाचली कपड़े पहन के फोटो खिंचवाना चाहे कोई, या और भी इस तरीके की चीजें काफी सारी मिल रही हैं। तो हमने काफी इंजॉय कर लिया है और अब 10:30 बज गए हैं। बनी से भी खेले हम लोग, हमने यहाँ की ड्रेस में भी कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई, तो काफी अब हमने एंजॉय कर लिया और दिल्ली की तरफ जाएंगे। काफी मुझे लगता है भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है, लाइन चलती रहती है जैसे अब यहाँ पे लोकल से भी बताया। और काफी सुंदर मंदिर है जैसा पुराना और जो ज्यादातर सारे माउंटेन्स में होता है,
वुड और मड का जो मिक्सचर जैसे होता है, और इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। माता का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है और वुडन कार्विंग है पूरे में, वेरी ब्यूटीफुल। तो सुबह के 11 बजने में 10 मिनट और हम लोग निकल रहे हैं माँ हिडिम्बा मंदिर से। यहाँ का जो ऑल्टीट्यूड है वो है 1980 मीटर, मनाली से थोड़ा सा ज़्यादा है, और अब दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि मनाली से दिल्ली या दिल्ली से मनाली पूरा दिन लगता था, सुबह सुबह 6 बजे निकलते थे, रात को जाके पहुँचते थे। लेकिन अभी सुना है कि 15 जून 2023 को एक नए रास्ते का उद्घाटन हुआ है जिसमें काफ़ी सारी टनल्स हैं और कई सारे घंटे बच जाते हैं दिल्ली जाने का। तो लेट्स एक्सप्लोर के वो रास्ता कैसा है, अभी 15 दिन पहले वो खुला है और कितना टाइम बचता है, कितने बजे दिल्ली पहुंच पाते हैं, देखते हैं। अभी 11 बजने में 10 मिनट हैं और सीधा निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। तो दिल्ली मनाली हाईवे का तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बहुत अच्छा रोड हो गया है पहले से। मनाली से जब हम लोग चले थे तो भी काफ़ी अच्छा रोड था, कुल्लू तक पूरा 4 लेन था। उसके बाद थोड़ा सा बीच में स्ट्रेच था जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो पुराने वाले हाईवे पे था। और यहाँ पे मंडी के बाद फिर से बहुत अच्छा रोड हो गया है। तो यहाँ पे बस ये है कि जैसे पुराने हाईवे पे काफ़ी सारे ढाबे थे तो यहाँ पे कम है, लेकिन हमें यहाँ पे एक ये मिला है एकदम हाईवे पे, B4U रेस्टोरेंट ढाबा, और यहाँ पे अभी नया है एकदम, क्योंकि जैसे हाईवे नया है तो इसके ऊपर तो ढाबे भी सारे नए ही होंगे, पुराने नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे कुछ खाते हैं, लंच करते हैं। टाइम हुआ है 2:45 दोपहर के। यहाँ का ऑल्टीट्यूड है 600 मीटर्स और दिस इज़ द टाइम टू हैव सम लंच नाउ। चलो देखते हैं B4U रेस्टोरेंट ढाबा पे क्या मिलता है। फिनिशिंग इट ऑफ विद आइस क्रीम। अभी बहुत नीचे आएंगे, पहाड़ दिख रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। गर्मी काफ़ी हो गई।
शाम के बज रहे हैं 6 और कीरतपुर क्रॉस करे हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन अभी चंडीगढ़ थोड़ा सा दूर है तो थोड़ा सा यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए शेर ए पंजाब ढाबे पे। इससे जस्ट पहले एक हवेली आई थी, लेकिन हवेली पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और खाने की भूख है नहीं, केवल चाय पीनी है, तो सोचा कि हवेली पे जाने का क्या फ़ायदा, तो हम रुक रहे हैं यहाँ पे शेर ए पंजाब ढाबे पे चाय पीने के लिए। चाय कैसी है? ठीक है, चाय अच्छी है। चलो अरे आप क्या कर रहे हो, क्यों चाय में कोई नमक डालते हैं? ओके, तो 15-20 मिनट हम लोग यहाँ रुके हैं, आगे बढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि डिनर भी भारी करना पड़ेगा क्योंकि डिनर के टाइम तक तो घर नहीं पहुँच पाएंगे, तो चलो चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू विद आवर जर्नी। ये क्या हो रहा है? तो रात के 9:20 हम लोग आए हैं मन्नत। ये मन्नत कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के पास है और हम लोगों ने अभी एक वेज थाली ऑर्डर की है, बच्चे कुछ स्नैक्स खा रहे हैं, सब लोग बहुत थके हुए हैं, दिल्ली जाने की जल्दी है। सो फाइनली रीच्ड होम एट 1 AM। 13 घंटे की हमारी ड्राइव हो गई, कुछ हमने ब्रेक लिया बीच में और कुछ हम लोगों को डाइवर्जन भी फेस करना पड़ा। तो हम लोगों ने टोटल जो इस ट्रिप पे डिस्टेंस कवर किया है वो है 1790.9 किलोमीटर, और दिल्ली टू दिल्ली, जिसमें हम लोग पहले दिल्ली से शिमला होते हुए स्पीति गए और वाया मनाली वापस आए, टोटल एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ऑफ द कार हैज़ बीन 16.8 किलोमीटर पर आवर।